थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपके स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए। आज आपके जो भी बेटे और बेटियाँ हैं पिता, वो सभी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपके बेटे प्यारे इस मसीह के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें आशीष दी है और सुबह से लेकर के शाम तक पिता आपने उन्हें सुरक्षित रखा है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना ना करें। जब आपके पास समय हो तब प्रार्थना करें, लेकिन जिन मसीह भाई बहनों के पास समय है प्रार्थना करने के लिए, वो वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो खुदा आज आपके सामने आपको आशीषित करेगा, आपका विश्वास को बढ़ाएगा, आपके साहस को परमेश्वर पढ़ाने जा रहा है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद हमें आशीषित करे, हमें बरकत दे। हम हर एक को अपराधों और गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं पिता, जो भी हमने अपराध और गुनाह किए हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या करना है आज हमें? मांगना है। क्या मांगना हमें परमेश्वर से? परमेश्वर से हमें ये मांगना है कि परमेश्वर हमें पहली बात तो ज्ञान दे, बुद्धि दे और समझ दे। जब ये परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको छुए पवित्र आत्मा के द्वारा, तो खुदावंद आपके जीवन में और आपको आशीषित करेगा। और आगे क्या आपको मांगना है? परमेश्वर ने कहा था, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में आप पढ़ते हैं, वहाँ पे साथ के साथ में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अच्छी चीज़ें देना जानते हो, अच्छा ज्ञान देना चाहते हो, तो जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हम सबको रचा, जिसने हम सबको बनाया, इस ब्रह्मांड की रचना की, इस सृष्टि की रचना की, तो क्या परमेश्वर हमारा हमें आशीषित नहीं करेगा? क्या वो हमें बरकत नहीं देगा? क्या वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण नहीं करेगा? क्या परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ों को परमेश्वर ब्लेसिंग नहीं करेगा? हमारे कामों में परमेश्वर बरकत नहीं देगा? देगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है। क्या करना है पहले? आपने क्या, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हर एक मसीह भाई बहनों से, जिनको बहुत जल्दी है प्रार्थना करने के लिए, तो कृपया मैं उन मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। यदि आपके जीवन में धैर्य नहीं है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो चिंता करके अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है वो कुछ नहीं जीवन में कर पाता है। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं पा सकता है, क्योंकि ज्ञान एक धैर्य का जीवन होता है। यदि आपके जीवन में बीमारी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, तो आपको धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। खुदा उसको दूर करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आपने, क्या हम सब लोगों ने अपनी स्वयं से अपने पापों की क्षमा हमने क्या परमेश्वर से मांगी है? पूछिए आज अपनी आत्मा से, पूछिए कि क्या आपने स्वयं अपने पापों और गुनाहों के लिए क्या क्षमा मांगी है? अब बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होंगे कि कहेंगे कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। मेरे प्रियो, इस जीवन में जीना संभव ही नहीं कि आपके जीवन में पाप ना हो। एक तरीके से हो सकता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करने लगेगा तब आप अपराधों और गुनाहों से बचने लगेंगे। इसीलिए जो आपने पुराना जीवन जिया उसमें बहुत सारे पाप हैं, चाहे वो आपके मन में थे, चाहे वो आपके विचार में थे, चाहे वो आपके सोच समझ में थे, या भी किसी भी तरीके से आपके जीवन में पाप हुए हैं। लेकिन आज हमें क्या करना है?
हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकना है और कहना है, पिता कि मैंने आपके खिलाफ बहुत सारे पाप किए हैं। पिता परमेश्वर, अलग अलग तरीक़ों से मैंने आपके आपसे पाप किया, आपसे बैर किया पिता परमेश्वर, और इस पाप के कारण पिता मैं आपसे दूर रहा हूँ पिता परमेश्वर। क्योंकि जब आप कहेंगे कि मैं एक पापी इंसान हूँ पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिसने मुझे जीवन और श्वास दिया, जिसने मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया, मेरे पापों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, आज उस रक्त का हम धन्यवाद करते हैं कि उस रक्त के द्वारा आज हम चंगे हो गए हैं, आज हम आशीषित हुए हैं, आज हमें बरकत मिली है, आज हमें हर तरीके से परमेश्वर से हम क्षमा मांगने के काबिल हैं। क्योंकि सबसे पहला कदम आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, एक कदम सबसे बड़ा आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए प्रार्थना, चाहे वो क्षमा के लिए प्रार्थना हो, काम के लिए प्रार्थना हो, बीमारी के लिए प्रार्थना हो, जॉब के लिए प्रार्थना हो, या फिर आशीष होने के लिए प्रार्थना हो, या फिर घर में किसी चीज़ की बरकत की आशीष की ज़रूरत है उसके लिए प्रार्थना हो, या फिर किसी भी चीज़ की अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है आप सभी मसीह भाई बहनों को, सभी को अलग अलग तरीके की ज़रूरत है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे पहले प्रार्थना करो। वचन को पढ़ो कि परमेश्वर ने क्या कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो क्या परमेश्वर मांगने वाले को नहीं देता है? देता है। क्या ढूंढने वाले को परमेश्वर नहीं मिलता है? मिलता है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, वो पाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था प्रभु यीशु मसीह ने, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो और जानते हो कि मेरा बेटा आगे चल करके अच्छा जीवन पाए, अच्छी शिक्षा पाए, अच्छा ज्ञान उसके अंदर हो, किसी भी प्रकार की बुरी लत ना हो, किसी भी प्रकार का कोई गंदे काम ना करे, आप ये चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। हर एक मसीह भाई बहन, हर एक माता पिता जो संसार में हैं, वो सब कोई चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे काम करे और अच्छे से रहे और परमेश्वर से जुड़ा रहे और खुदावंद का धन्यवाद करता रहे। जिस दिन आप ये सबसे बड़ा कदम उठा लेंगे कि हमें प्रार्थना करना है किसी भी काम के लिए, खुदा आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है। अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करिए, खुदावंद आपको आशीषित करेगा, आपको बरकत देगा। क्या आज हम नहीं चाहेंगे कि खुदा हमें आशीषित करे? क्या हम ये नहीं जानते कि हमारे हम मनुष्यों के ही द्वारा परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा ताकि सभी लोगों को पाप की दंड की सजा ना मिले, वो अपने अपराधों और गुनाहों से छुटकारा पा सकें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम सब पापों तुम्हारे सब पापों को क्रूस पर लेके जाता हूँ, और जो मेरे नाम से प्रार्थना करेगा परमेश्वर से, और परमेश्वर उसे हर एक अपराधों और गुनाहों से क्षमा कर देगा। जब हमारा परमेश्वर हमारे पापों के लिए मर सकता है, तो क्या आज हम परमेश्वर से अपने गुनाह के लिए, स्वयं अपने पापों के क्षमा के लिए, क्या हम उससे उसके सामने घुटने को नहीं टेक सकते हैं? टेकेंगे। यदि आज आपको पाना है, तो आपको सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। कहिए कि खुदावंद, मैं जानता हूँ आज तू मेरे जीवन में काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और मुझे आशीषित करने वाला है, क्योंकि हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से, अपने गुरु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि गुरु हमारा कौन है? सिर्फ एक ही संसार में है, वो है प्रभु यीशु मसीह। याद रखिएगा, गुरु और किसी को मत कहना, क्योंकि गुरु का अर्थ क्या होता है जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा। इसीलिए हमारा गुरु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसी के नाम से हमें प्रार्थना करना है। और खुदावंद हमें आशीषित करता है, हमें बरकत देता है, क्योंकि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, उस दिन परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम डरे हुए हैं, आज हम भयभीत हैं, आज हम चिंतित हैं, आज मुसीबतों में पड़े हुए हैं, चिंताओं में आज पड़े हुए हैं। क्या हमने कभी सोचा कि आज हमारे जीवन में चिंता क्यों है? क्या हमने कभी प्रार्थना की परमेश्वर से कि आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों हैं?
क्या हमने कभी प्रार्थना परमेश्वर से की, यीशु मसीह से प्रार्थना की कि हे पिता आपका ये बेटा है जो आपकी बेटी और बेटियां हैं ये गलत काम क्यों कर रहे हैं, उनके पास समझ क्यों नहीं है, क्यों बार बार गलत कामों को करते हैं? क्या आपने कभी प्रार्थना की है? आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको कहना है कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मेरे हर एक बच्चों को विनाश होने से बचा पिता, क्योंकि आपने मेरे बच्चों के दर पर आपने अपने जीवन को विनाश किया है, नाश किया है, आपके ऊपर कोड़े मारे गए मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे उस दिन आपके जीवन में बरकतें आपके जीवन में आशीषित होने लगेंगे, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। इसलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं उस दिन हमारी ज़िंदगी में हर एक प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से जाने लगती है। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रार्थना करने से पहले अपने घुटने टेकिए, और उससे पहले आपको एक काम और करना है, और हर प्रकार की शैतानी ताकत को प्रार्थना करने से पहले आज्ञा दे दीजिए कि कोई बच्चा रोए ना, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे किसी भी प्रकार की, जो भी चीज़ आपको समझ में आती है कि मुझे इस चीज़ के लिए आज्ञा देना है तो पहले ही उस शैतान को भगा दीजिए अपने घर से, ताकि आप शांति से प्रार्थना कर सकें और रिसीव कर सकें और खुदा आपको बरकत दे सकें। परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर, आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहने आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर, मैं परेशानी से अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर, विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करें पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के निगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाए पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति
उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुखाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय निगेटिव आगत रिपोर्ट आ रही है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन पिता परमेश्वर सीट और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई के नाम से। हर प्रकार के मधु, जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद आना पिता परमेश्वर, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर, काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं परमेश्वर, आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझ पर मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूं कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर, परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर, परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का
पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं, आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर, पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर, मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई है आने जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है, परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा, संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं,
आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। इस नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियाँ रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ को आप देने जा रहे हैं। इस नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है, जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है सुनासरी के नाम से, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया, जितने भी आपके बेटे और बेटियां इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।